सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों से भी नमस्कार। सर हम लोगों ने बड़ा जिक्र कर लिया कि बॉलीवुड में इतना बदलाव आया, अब कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, 370, अब तो सावरकर पर भी फिल्म आ रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये जिहादी वुड, ये कराची वुड सलीम जावेद के दौर से निकल पाया है, जिसमें लगातार ये षड्यंत्र होता था, मां मैं मंदिर नहीं जाऊंगा मां, और वही अमिताभ बच्चन दूसरी फिल्म में 786 नंबर का बिल्ला पहनता था और उसके बाद सभी समस्याओं का समाधान हो जाता था। जय श्री राम फिल्म में बोला गया तो उसे सेंसर हो जाएगा। क्या इस सरकार के दौर में, इस सरकार का सूचना एवं प्रसार मंत्रालय या भारत सरकार का इकबाल अभी भी उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा, ये खेल अब भी जारी है? मनीष जी, जो घटनाक्रम घटा है वो बहुत शर्मनाक है। और इस देश के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से एक सवाल है कि क्या इसके लिए भी हम लोग राहुल गांधी को गाली दें, या कांग्रेस को गाली दें, या नेहरू को गाली दें? किसको गाली दें, किसको कोसें, किसको दोष दें इस बात का, जो जय श्री राम के नाम पर जो पाप हुआ है। मनीष जी, ये अभी 6 महीना पहले, 6 महीना या साल भर के लिए आज ही पुलिस हम लोग के सामने आई थी और उस समय बात हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जरा बस हेडिंग दिखा दीजिए मनीष जी, हेडिंग ही पर्याप्त है। बाकी मैं खबर अभी पढ़ के बता दूंगा दर्शकों से कि ये केसी बुकाडिया जो है, इन्होंने कहा है कि सेंसर बोर्ड को फिल्म में जय श्री राम हटाने का आदेश। और मनीष जी निर्माता मुझे बोले देख, मर जाऊंगा पर नहीं हटाऊंगा। हाँ ये स्थिति आ गई है, ये कि जय श्री राम के नाम पर एक फिल्म निर्माता को ये कहना पड़ रहा है। हटा लीजिए मनीष जी, इसके बाद मैं जरा बताता हूँ कि पूरी कहानी क्या है। और ये मैंने कहा ना कि इसके लिए किसको दोष दिया जाए, कांग्रेस को दोष दिया जाए, ये इसका जवाब सूचना प्रसारण मंत्री को देना होगा। मनीष जी, ये पिक्चर बनी है तीसरी बेगम, और बनाने वाले हैं केसी बुकाडिया, वही इसके निर्माता है, वही इसके निर्देशक हैं, और वही इसके लेखक है। और इस पिक्चर की पूरी शूटिंग लखनऊ में हुई है, ये बता दूं आपको। वो जो योगी आदित्यनाथ की फिल्म प्रमोशन की जो नीति है, उसके तहत ये पूरी पिक्चर लखनऊ के अंदर ही शूट हुई है। और ये एक तरह के लव जिहाद पर ही ये पूरा एक कंसेप्ट है इस पिक्चर का, कि किस तरह से हिंदू लड़कियों को बरगला कर उनको धोखा देके किस तरह से शादी की जाती है, उसके बाद उनके साथ क्या गुजरती है। इस पर एक बहुत बेहतरीन पिक्चर केसी बुकाडिया ने बनाई है। और केसी बुकाडिया कोई लौंडे लिफाड़े नहीं है, केसी बुकाडिया का फिल्मी जीवन, उनका फिल्म निर्माण का जो करियर है मनीष जी, वो कम से कम 55 साल का हो चुका है। सन 70 के दशक से वो आदमी फिल्में बना रहा है बॉलीवुड में। और ये आज उसको जो उन्होंने तीसरी बेगम बनाई, तो मनीष जी दंग रह जाइएगा कि उस पिक्चर को एक तो एडल्ट का ए सर्टिफिकेट अलॉट किया सेंसर बोर्ड ने, 14 कट लगाए कि ये 14 सीन हटा दो। और उसके बाद उसने कहा कि ये जो जय श्री राम का शब्द इसमें नारे की बात है, जय घोष जो जय श्री राम का है, उसको हटाओ तब तुमको हम सेंसर का सर्टिफिकेट देंगे। और ये वही जिहादी सेंसर बोर्ड है जिसने आदि पुरुष में भगवान राम, भगवान हनुमान, माता सीता, सबकी खिल्ली बिल्कुल पाकिस्तानियों की तरह को भी मात देते हुए, तालिबानों की तरह उसने खिल्ली उड़ाई थी, जिस तरह से वहां पर तालिबान और पाकिस्तान उड़ाते हैं भगवान राम की खिल्ली, उसको सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट देते समय ये सेंसर बोर्ड में बैठे जिहादी, हिंदू विरोधी जिहादी, सनातन विरोधी जिहादी। और आज तो मनीष जी तीसरी बेगम के बाद ये स्पष्ट हो गया कि भगवान श्री राम के नाम से जिनको आग लग जाती है, भगवान श्री राम के नाम पर जिनके मन में जहर भरा है, उन लोगों को ये मोदी सरकार सेंसर बोर्ड में बैठा के मलाई चटवा रही है। इसका इसका जिम्मेदार कौन है? ये सूचना प्रसारण मंत्री है या देश का प्रधानमंत्री है? और मनीष जी, ये कुकर्म कब हो रहा है? जब 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, पूरा देश राममय है, पूरी दुनिया राममय है, और जय श्री राम का उद्घोष हर हिंदू कर रहा है, हर हिंदू सुन रहा है, हर हिंदू बोल रहा है। और उसके बाद ये आदेश आता है सेंसर बोर्ड से कि जय श्री राम का जय घोष इस बॉलीवुड की जो बैठी है जिहादी लॉबी, इसको बर्दाश्त नहीं है। उसने कहा कि जब तक तुम जय श्री राम का यहां से नाम नहीं हटाओगे पिक्चर से,
तब तक तुमको सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, और मैं साधुवाद देना चाहूंगा, कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगा कि अभी आपने हेडिंग दिखाई कि केसी बोकाडिया ने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन जय श्री राम का नाम नहीं हटाऊंगा अपनी पिक्चर से। अब फैसला जिहादियों और एक राम भक्त के बीच होना है कि इस देश में जहां भगवान राम के मंदिर के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, हिंदुओं से कहा जाता है कि हमने मंदिर बना दिया, वहां पर फैसले में जिहादी जीतेगा वो सेंसर बोर्ड में बैठा या फिर भगवान एक राम भक्त। और मनीष जी आप खबर दर्शक पढ़ लेंगे, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि जब धोखा देकर उससे शादी और उसके बाद जब उसको उसकी जान पे बनाती है तो वो लड़की जय श्री राम कहती है, और उस बात पर आपत्ति हो गई सेंसर बोर्ड को, वो कह रहा कि ये सब्जेक्ट ठीक नहीं है और ये एक आध घटना के लेके आप पिक्चर नहीं बना सकते। तो आप 14 तो उसने कट मारे, उसके बाद कहा कि हम इसको केवल बालिगों के लिए यानी ए सर्टिफिकेट देंगे, और वो भी हम तुमको तब देंगे जब तुम 14 कट और जय श्री राम का नाम इस पिक्चर से हटा दोगे। तो ये मनीष जी इस हिंदुस्तान में हो रहा है, इस भारत में हो रहा है, सनातन भारत की बात हो रही है, और योगी आदित्यनाथ के इसी लखनऊ में उनकी फिल्म नीति के तहत वो पिक्चर बनी है, किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये फिल्म सेंसर बोर्ड में कौन जिहादी बैठा। और मनीष जी मैं फिर आज नाम लूंगा उसका, ये प्रसून जोशी, ये नरेंद्र मोदी के आंख का तारा है, ये पता नहीं गुजराती होने का फायदा उठा रहा, मराठी होने का फायदा उठा रहा है, इसने 2014 में एक गाना लिख दिया था भाजपा के लिए और ये हिंदुओं के सर पे चढ़ के मूत रहा है, ये कह रहा है हम सनातन धर्म को अपमानित करेंगे क्योंकि मैं प्रधानमंत्री मोदी का चमचा नंबर एक हूं, ये सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष है प्रसून जोशी, इसके समय में ये दूसरा पाप हुआ है, क्या कर रही है विश्व हिंदू परिषद, क्या कर रही है आरएसएस, ये क्या सबका बाप हो गया प्रसून जोशी, ये कह रहा कि पिक्चर से जय श्री राम का नारा जब तक नहीं हटेगा तब तक उसको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो जय श्री राम का बहिष्कार खुले आम एक सरकारी संस्था के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति करवा रहा है, इससे पहले आदि पुरुष में इसने अपमानित करवाया था भगवान राम को, उसके बाद भी ये बेशर्म आज भी सेंसर बोर्ड की कुर्सी पर बैठा है, और बेशर्मी के साथ सत्ताधारी लोग इसको बेशर्मी के साथ सनातन धर्म के खोपड़ी पे लाते हैं क्योंकि इसने प्रधानमंत्री मोदी की चमचागिरी में एक गाना लिख दिया था चुनाव का। तो ये एक गाना लिखने की कीमत ये 125 करोड़ 150 करोड़ सनातनियों को हिंदुओं को अपमानित करके, और अब तो इसका इतना ज्यादा जिहादीपन इसका उभर कर आया है कि अब ये भगवान श्री राम को अपमानित करने में आमादा है, ये कह रहा भगवान श्री राम का नाम बर्दाश्त नहीं है, न तुमको दिखाने दूंगा न हिंदुस्तान के हिंदुओं को सुनने दूंगा। तो ये आदमी प्रसून जोशी नाम का जो सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बैठा है, ये हिंदुओं की नकाब में एक पाकिस्तानी जिहादी बैठा है जिसको भगवान श्री राम से इतनी नफरत है कि पहले इसने आदि पुरुष के उसमें इसने बेइज्जत करवाया, और अब जब उसमें नहीं सफल हुआ तो अब ये कह रहा है कि भगवान श्री राम का नाम ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये कह रहा है, और हमको इसको झेलना है मनीष जी क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का चमचा नंबर एक है। बिल्कुल सर, लोग जो है आपकी बात को, आपके गुस्से को, आपके इस चीज को समझ रहे हैं कि कितनी गंभीरता से आप ये बात पिछले दिनों भी उठाए, लोग कह रहे हैं कल से हम प्रसून जोशी के खिलाफ बायकॉट प्रसून जोशी मुहिम चलाएंगे, और इसीलिए हम कहते हैं कि कई बार ऐसे आशीर्वाद पा लेने के बाद ये चमचे ऐसे ही मौज लेते हैं, हमारा तो बाप है नहीं, वो बाप नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को साध्वी प्रज्ञा की एक डायलॉग इतना बुरा लग गया कि उसका टिकट कट गया, ठीक है, लेकिन ये प्रसून जोशी लगातार भगवान राम को अपमानित कर रहा है, और लानत है उस आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पे जो इसके खिलाफ बोल नहीं रहे, इसने पहले आदि पुरुष में अपमानित करवाया पूरे देश ने देखा, और अब ये भगवान श्री राम के नाम का बहिष्कार करवा रहा है। बिल्कुल, हम इसे व्यूअर्स से आग्रह करेंगे कि इस मुद्दे को, बहुत चुकी सतीश जी फिल्म वाले मुद्दे में बहुत गहराई तक जाते हैं, और इसीलिए जब उन्होंने पिछले दिनों भी इस मुद्दे को उठाया था फैक्ट के साथ, इस विश्लेषण को आप तत्काल इसे ज्यादा ज्यादा संख्या में साझा कीजिए, ये बात जाए कि ऐसा पापी इस दौर में भी 10 साल बाद भी कोई प्रसून जोशी जैसा व्यक्ति बैठा रहेगा उसको, और आवरण उठा रहेगा, उसको घमंड है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का चमचा नंबर एक, और मैंने क्योंकि भाजपा के लिए एक गाना लिख दिया था इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं 100 करोड़ हिंदुओं के खोपड़ी में चल के मूतूंगा, भगवान राम को खुले आम अपमानित करवाऊंगा, और मैं फिर कह रहा हूँ लाना था वो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस में जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं उनकी जबान बंद क्यों है। कि बेहद वो बहुत गंभीर मुद्दा है सचमुच, और इसीलिए प्रोड्यूसर ने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी फिल्म रिलीज हो ना हो,
मैं उसे मनीष जी, नहीं बहुत पकाऊंगा। मैं बहुत बड़ी बात मैं अपेक्षा नहीं करता था, और अगर शायद केसी बोकाड़िया ने न कहा होता तो ये मुद्दा ही ना बना होता। ये इन ज्यादियों का, ये ज्यादी ऐसे पता नहीं कितने राम भक्तों के कार्यों की हत्या कर चुका होगा ये, कि जाओ अगर राम का नाम लोगे, राम भक्त का नाम लोगे, जय श्री राम कहोगे, तो तुम्हारी पिक्चर को सर्टिफिकेट नहीं दूंगा मैं, उसको पिक्चर को सर्टिफिकेट दूंगा जो आदि पुरुष बना के भगवान राम, भगवान हनुमान, माता सीता को अपमानित करेगा, उनका मजाक उड़ाएगा, उनकी खिल्ली उड़ाएगा, उसको प्रसून जोशी का सेंसर बोर्ड उसको सर्टिफिकेट देगा। और मनीष जी, मैं फिर कहूंगा सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से कि वो क्या कर रहा है। और सबसे खास बात मनीष जी बताऊं कि अभी 2 दिन पहले अनुराग ठाकुर जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने सम्मानित किया, बड़ी तारीफ करी केसी बुकाड़िया की, क्योंकि उन्होंने सरदार पटेल पर भी एक पिक्चर बनाई है, और उसका संभवतः अनुराग ठाकुर ने ही एक तरह से फीता काटा है, कह लीजिए, उद्घाटन कही है कि उसके, और उन्होंने बड़ी प्रशंसा की है केसी बुकाड़िया की, कि उन्होंने सरदार पटेल पर एक बेहतरीन पिक्चर बनाई, और उस आदमी को मेरे ख्याल से वो जो जिहादी बैठा है सेंसर बोर्ड में, जो हिंदू हिंदुस्तान का दुश्मन, हिंदुओं का दुश्मन, उसको उस बात से भी बड़ी आग लगी होगी कि अरे ये तो सरदार पटेल पे भी इसने पिक्चर बनाई, और अब ये भगवान श्री राम की बात कर रहा है, तो इसको इसका जितनी मैं इसका मानसिक रूप से उत्पीड़न कर सकूं, तो एक तरह से ये भगवान श्री राम के विरोध में इतना अंधा हो गया है कि जो आदमी भगवान श्री राम का नाम लेगा उसको बॉलीवुड में टिकने नहीं देगी ये ज्यादी लाबी। और ये किस तरह से नरेंद्र मोदी की चमचागिरी करके घुसा है सेंसर बोर्ड में, इस प्रसून जोशी को अच्छा समझिए, ये सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष है, और इसकी केवल एक क्वालिफिकेशन है, ये प्रधानमंत्री मोदी का चमचा नंबर एक, और उन्होंने इसके पापों की तरफ से आंखें बंद कर ली है कि ना तो इसको मैं सुनूंगा, ना इसके पाप की तरफ देखूंगा, और ये मन चाहा है, इसको खुली छूट है, और इसको इस हद तक छूट है कि ये भगवान राम को लगातार अपमानित करे, क्योंकि ये मेरा चमचा नंबर एक है। ये जरा जरा दोहरापन देख लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि एक तरफ साध्वी प्रज्ञा को कैसी कैसी सजा, ऐसी सजा कि वो जिंदगी भर याद रखे, लेकिन ये प्रसून जोशी पहले आदि पुरुष में अपमानित करता है, और उसके बाद ये अब तो कह रहा है भगवान राम का नाम लेना मैं दूभर कर दूंगा, नहीं पसंद करूंगा, तो ये आदमी अब भी हमारी खोपड़ी पे मूतेगा, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे तब तक ये संसद बोर्ड की कुर्सी पे बैठेगा, और इसी तरह भगवान राम को और हिंदुओं को अपमानित करेगा ये। बिल्कुल, ये तो एक तरह से हैबिचुअल क्रिमिनल वाला व्यवहार हो गया सर, पहली बार ऐसी गलती हो नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से दबाव है, या फिर कहीं ना कहीं से इसको फंडिंग की जा रही है कि भारत के खिलाफ, सनातन के खिलाफ। बॉलीवुड बॉलीवुड में मनीष जी सिर्फ दाऊद की फंडिंग होती है, पाकिस्तान की फंडिंग होती है, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए फंडिंग होती है, भगवान राम को अपमानित करने के लिए फंडिंग होती है, और उस फंडिंग का सबसे घातक हथियार ये सेंसर बोर्ड बन गया है, तो ये क्यों ना माना जाए कि ये प्रसून जोशी, इसको भी फंडिंग उसी चैनल से हो रही है कि हिंदुओं को अपमानित करो, भगवान राम को अपमानित करो, सनातन धर्म को अपमानित करो, और इसने अब तो हद कर दी, सारी सीमाएं पार कर दी कि इसको भगवान राम का नाम बर्दाश्त नहीं है। और मैं फिर कहूंगा कि इसमें मैं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को मैं कतई दोषी नहीं मानता हूं, बहुत स्पष्ट कर दूं, क्योंकि वो अनुराग ठाकुर की हैसियत क्या है, वो प्रधानमंत्री मोदी का चमचा है और नंबर एक का चमचा है, क्योंकि उसने गाना लिख दिया था भाजपा के लिए, तो वो हम हिंदुओं को अपमानित करेगा, सनातन धर्म को अपमानित करेगा, और अब उसके इरादे इतने राक्षसी हो गए, इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो कह रहा है कि भगवान राम को भी अपमानित करूंगा, देखूं मेरा क्या कर लोगे तुम। तो इसमें सूचना प्रसारण मंत्री पूरी तरह से बरी है, पूरा दोष वो जो 400 पार का सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो इसके 100% दोषी है, 100%, क्योंकि यह केवल उनका चमचा होने के नाते ये सेंसर बोर्ड में बैठकर सनातन धर्म, भगवान राम को अपमानित कर रहा है। बिल्कुल, देखिए अब शेषुराम जी कह रहे हैं कि जिहादी बोर्ड है, बाइकाट जोशी बोकारिया जी को राम का आशीर्वाद रहेगा, सतीश जी का गुस्सा सारा सनातनियों का गुस्सा है, और यदि आप लोग ये समझते हैं इस वीडियो को तत्काल इसी समय ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा कीजिए। नहीं नहीं मनीष जी, मैं जानता हूँ, मैं खूब प्रशंसा करता हूँ, बिल्कुल वो कहता हूँ मैं अंधभक्त हूँ, लेकिन भगवान राम से बड़े नरेंद्र मोदी नहीं है। भगवान राम, नरेंद्र मोदी की चमचागिरी में भगवान राम को अपमानित होते मैं तो नहीं स्वीकार कर सकता, कोई कोई धूर्त कोई बेशर्म स्वीकार करे तो करे। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिस्टम तक ये बात जाए
कि क्या प्रधानमंत्री को इस बात से हर छत ये सच बात है नहीं नहीं मनीष नहीं 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 मनीष जी, मैं सिस्टम मंत्री किसी को दोषी नहीं मानता। इसकी केवल एक क्वालिफिकेशन है इस प्रसून जोशी की, यह प्रधानमंत्री का चमचा नंबर एक, बॉलीवुड का चमचा नंबर एक, और इसीलिए इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनुराग ठाकुर की हैसियत नहीं कि इसको हटा दे, तो ये कोई सिस्टम नहीं, ये केवल प्रधानमंत्री मोदी का बैठाया हुआ राक्षस है जो खा रहा है सनातन धर्म को। मगर आपका गुस्सा यदि आम जन का गुस्सा बनेगा तो सर से कान पकड़ के निकाला भी जाएगा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और यदि सचमुच इस देश में जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, अभी तो मनीष जी फैसला अभी हो जाएगा कि वो जिहादी जीतेगा कि राम भक्त बुकाडिया जीतेगा। बुकाडिया कि मर जाऊंगा तो जैसे, और मैं बता दूं कि बुकाडिया क्योंकि यही रह के शूटिंग की थी पूरी पिक्चर की, वो आदमी भूरी भूरी प्रशंसा, मतलब सिवाय उसकी जबान नहीं थकती कि वो योगी और मोदी, योगी और मोदी, वो आदमी करता है तो शायद उसको दंड दिया जा रहा है कि तुम चाहे जितना करो, चमचा तो मैं हूं, चमचा तो मैं हूं, तुम प्रशंसा करते हो तो करते रहो, तुमको भगवान राम का नाम जय जयकार करने की कोई अनुमति नहीं है। देखिए मुकुल जी कह रहे हैं कि प्रसून जोशी अमीर खान का पालतू है, अभी नेशनल क्रिएटर अवार्ड में भी प्रसून जोशी ने कामिया ज्ञानी जैसे हिंदू द्रोही को अवार्ड दिलवाया है। तो एक एक चीज जो है परत दर परत खुल रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही मुकुल शुक्ला कह रहे हैं। वो काव्या गानी जो कह रही है कि मैं तो गौ मांस खाती हूँ, उसको प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित करा के, ये बगल में खड़ा है, ये बगल में खड़ा है, ये बगल में खड़ा है, अच्छी याद दिला दी मुकुल शुक्ला जी ने। ऋतिक जी कहे मनीष भैया गुरुजी कहने को तो INB मिनिस्ट्री ने 18 OTT प्लेटफॉर्म को बैन किया है, पर उल्लू और आर्ट बालाजी की बैन को बैन किया, बैन क्यों नहीं किया? सबसे ज्यादा नहीं, 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 नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, अनुराग ठाकुर की हैसियत नहीं है। बॉलीवुड को टच करना है तो इस चमचे नंबर एक की परमिशन चाहिए, और ये कैसे करा देगा? इसकी दाल रोटी वही चलती रही है, मोदी आए हैं मोदी चले जाएंगे, बॉलीवुड के टुकड़े इसको वही तोड़ने हैं, तो ये जितेंद्र की लड़की एकता कपूर के वो आर्ट बालाजी को कैसे बैन हो जाने देगा? जब तक ये बैठा है तब तक बॉलीवुड का सिक्का चलेगा, बॉलीवुड के ज्यादियों का सिक्का चलेगा, और हमारे 100 करोड़ 125 करोड़ हिंदुओं को इस ज्यादी के हाथों बॉलीवुड के जरिए अपमानित होना पड़ेगा। आदि पुरुष में हम देख चुके हैं, और ये अब नया मामला आया है कि अब तो इसको बर्दाश्त नहीं कि पिक्चर के अंदर जय श्री राम का नाम, इसको बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल बड़े पैमाने पे लोग कह रहे हैं कि हमने इसको अलग अलग जगहों पे शेयर किया है, अनुराग ठाकुर जी को भी उनको डायरेक्ट साझा कर दिया है, तो आप सबसे ये सोशल मीडिया के अलग अलग अकाउंट पे हमने इसे साझा कर दिया है, तो आप सब इसे अलग अलग अकाउंट पे सोशल मीडिया के फेसबुक से लेकर ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, टैग कीजिए देश के INB मिनिस्ट्री को। ये बर्दाश्त नहीं किया सकता कि आज की तारीख में भी राम का अपमान हो, जिस राम के लिए इतना बड़ा सब कुछ अभी अयोध्या में हुआ, पूरे नैरेटिव बदले गए। अरे राम के नाम पे नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी की वजह से भगवान राम नहीं है, बहुत सीधा समझ लीजिए, राम के नाम पे नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पे भगवान राम नहीं। और अगर नरेंद्र मोदी को इतना अहंकार उनकी खोपड़ी सवार हो गया है कि उनका चमचा भी भगवान राम को अपमानित कर सकता है, तो इसका परिणाम भी बहुत जल्दी मिलेगा मनीष जी। भगवान राम के सामने तो रावण का अहंकार नहीं चला था, तो नरेंद्र मोदी और उनके चमचे का अहंकार देखे कितने दिन चलता है इस देश में। बिल्कुल, एक गुस्सा सतीश जी का जो है वो उस फैक्ट को लेकर के है कि प्रसून जोशी का के अगुवाई में ये पाप पहली बार नहीं हुआ है, ये अब इस तरह का जो है पाप, इसे हैबिचुअल क्राइम कहा जाने लगता है, तो इसके ये भी पता करना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों हुआ। उसी नैरेटिव को चला रहे हैं जो जो खैरातियों का एक दल कहता है, अरे जय श्री राम में आक्रोश है, सिया राम कहो, तो ऐसा लगता है कि प्रसून जोशी का वामपंथ चरित्र जो है वो अभी भी सनातन द्रोह का चरित्र अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और मुझको ये फिर मैं आ जाऊंगा उसी बात पे कि वो जो अभी मैंने जिस चमचे की बात की, तो वैसे तो वो चमचा है वो प्रधानमंत्री के नहीं समझ में आ रहा है, वो भी टूल किट का हिस्सा है, वो भी टूल किट का हिस्सा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस में कुछ भाजपा के इंसाइडर बैठे हैं जो कांग्रेस को निपटा रहे हैं, वैसे ही भाजपा के अंदर एक ये भी इंसाइडर है जिहादी ग्रुप का, बॉलीवुड के जिहादियों का, नहीं प्रधानमंत्री मोदी की समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूं, वो जब समझ में आएगा तब तक बड़ी देर हो जाएगी। और एक उदाहरण दिए देता हूं,
एक उदाहरण दिए देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी को भी याद आ जाएगा। ये लाल कृष्ण अडवाणी के राजनीतिक जीवन पर अगर सबसे बड़ा कलंक लगा काली पोतने वाला एक आदमी केवल, उसका नाम था वो सुधीर कुलकर्णी, जो वामपंथी था, और सत्ता में आते ही जैसे ही अटल जी प्रधानमंत्री बने, वो अडवाणी की नाक का बाल हो गया, वो नाक का बाल हो गया। और अब तो सब बताते हैं कि जो जो भी कुकर्म हुए उस समय गृह मंत्रालय में, उसका 60% दोषी वही आदमी था, क्योंकि अडवाणी उसके अलावा किसी की सुनते नहीं थे, यानी जो 50-50 साल के उनके साथी थे उनको भी नहीं सुनते थे। गृह मंत्रालय में सिक्का सुधीन्द्र कुलकर्णी का ही चलता था, और जैसे ही 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की विदाई हुई, लाल कृष्ण अडवाणी पैदल हुए, सुधीन्द्र कुलकर्णी ने दूध में मक्खी की तरह निकालकर अडवाणी को किनारे फेंक दिया, और फिर से भाजपा को गाली देने लगा। और अभी तक वो नरेंद्र मोदी को भी वो गरियाई करता है जब जब भी मौका पा जाता है। लेकिन उस टेंट समय वाला, का, टेंट क्योंकि टेंट वाला मैं बता दूं मनी जी, उस समय मुझे अच्छे से याद है कि आरएसएस और भाजपा के बड़े बड़े लोग, तब तो मैं फील्ड में रिपोर्टिंग करता था, वो सुधीन्द्र कुलकर्णी को कोसते थे कि ये सब निपटाए दे रहा है, नाश कर दे रहा है। लेकिन अडवाणी जी पे पट्टी बंधी थी कुलकर्णी की, तो उसने अडवाणी को पूरी तरह निपटा कर कैसे छोड़ा है, ये तो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और जो राजनीति जो पत्रकारिता में वो सब अच्छे से जानते हैं। तो ये चमचों की भी आप तारीफ करिए, ये चमचों की खूबी होती कि जिस समय नशा उनका चढ़ता है तो फिर नशा उतरता नहीं है। और उसके चक्कर में मैं जान रहा हूँ कि आज कुछ लोगों को बड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन कड़ुआ हम लोग बोलते हैं तो कड़ुआ पे वो आदत है। और मैंने उदाहरण सुधीन्द्र कुलकर्णी का दे दिया, उस समय भी बिल्कुल यही स्थिति थी, पूरा देश, पूरा भाजपा समर्थक सुधीन्द्र कुलकर्णी को कोस रहा था, लेकिन अडवाणी जी उसको अपने कंधे बैठा ले, जैसे माता यशोदा कन्हैया को बैठाती थी, और 6 साल वो बैठा के उसका झूला झुलाते रहे। और बड़े बड़े मामलों में केवल वो निर्णायक होता था, बाद में उसका खामियाजा अडवाणी ने तो भोग ही भोगा, पार्टी ने भोगा और देश ने भोगा। देश ये में खास तो बात है, ये खास बात है, चमचागिरी इसलिए चीज, मुझे चमचागिरी चीज ही ऐसी है। बीजेपी में भी अभी भी जो कहते हैं ना नहीं, कि वो जो कि एक ऐसा चमचो घुसपैठ है एक व्यक्ति का, राज्यसभा नहीं बड़े नहीं बड़े पत्रकार सपना देखते रहे, एक चिरकुट सा पत्रकार जो है वो राजसभा पहुंच गया, तो नहीं मनीष जी, चमचागिरी चीज ही ऐसी है सर। नहीं ये देखिए, चमचों की आलोचना नहीं, चमचों के इस हुनर की प्रशंसा करिए कि चमचों का ये हुनर है कि हाँ वो 140 करोड़ लोगों पर भारी पड़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के दरबार में भारी पड़ रहे हैं। तो फिर ये उस चमचे का तो हुनर है, वो प्रसून जोशी की तारीफ है कि भगवान राम को अपमानित करके भी ससम्मान ससम्मान प्रधानमंत्री के दरबार का वो नवरत्न है। तो ये उसकी तारीफ है, उसकी तारीफ है, उसको कोसकर आप अपने आप को छोटा कर रहे हैं, आप उसकी जय जयकार करिए। ये बिल्कुल, तो ये कुछ तो खासियत होगी कि इस लेवल की चमचागिरी वो कर ले रहा नहीं है जिसके हाँ बारे में कहा जाता है कि नहीं नहीं मनीष जी, जिससे पूरा पूरे देश का मीडिया हारा, पूरे देश का विपक्ष हारा, वो प्रधानमंत्री अपने चमचे से हारा। तो ये चमचा समझिए कितना भारी है, कितना ताकतवर है, कितना हुनरमंद है, कि गजब ढा रहा है वो राजदीप, चमचा। राजदीप जैसे लोग कह रहे हो ठीक है हमने इतना दिन खेला, लेकिन 10 साल से मैं चमचागिरी कर रहा हूं। राजदीप तो बेचारा 10 साल से मोदी की चमचागिरी में लगा हुआ है, लेकिन एक हाँ सेकंड का समय प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया है। तो लोग नहीं कहते हैं कि दिया, पीएम चमचाओं को, चमचों को पसंद नहीं करते, तो ये बेलचा कहां से क्या कर रहा है। तो कम से कम ठीक है चमचा नहीं तो बेलचा, लेकिन यदि देश के लिए राम द्रोह पर उतरा हुआ है तो ना सनातन राम से बड़ा कोई नहीं, राम से बड़ा कोई नहीं, राम से बड़ा कोई नहीं, लेकिन फिलहाल वो चमचा भारी पड़ रहा है राम पे, ये फिलहाल वो इसीलिए चमचा भारी पड़ रहा है, ये गजब है। सबसे आग्रह है कि इस वीडियो विश्लेषण को आप ज्यादा तक दूर तक पहुंचाइए कि कोई चमचा बेलचा सिस्टम पर इस कदर हाँ हावी ना हो जाए हाँ कि हाँ सब किया धरा पानी में डुबो दे। पानी मिल जाए। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे सर, मातरम। वंदे जय हिंद। मातरम, जय हिंद।